भोपाल से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किल कोरोना अभियान पर कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे, शिवराज सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अभियान का शुभारंभ आज से कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कह रही है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, आइसोलेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसको हमने नाम दिया था TIT। पर बहुत देरी की इस मामले में, तो मैं समझता हूँ अगर ये देरी नहीं होती, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा जब टेस्टिंग होगी तभी जाकर इस बीमारी से लड़ाई, कोरोना से लड़ी जा सकती है। क्योंकि हमने देखा कि हमारे दो डॉक्टर, दो थानेदार, कल एक रुक्मणीबाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उसकी जान चली गई। और मध्य प्रदेश में लगभग 600 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग हम 14-15 हज़ार के करीब संक्रमण हो गए। अगर ये पहले हो जाता है ये अभियान, तो मैं समझता हूँ कि हम इन सब वृद्धियों को रोक सकते थे। आज भी 42-45 मामले आए हैं और 2-3 लोगों की जान भी चली गई है। मुझे उम्मीद है कि जो ये नया अभियान चल रहा है कोरोना के, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी कोरोना पे कंट्रोल करने की हमें स्थिति बदलेगी। क्योंकि अभी तो लोगों के ऊपर छोड़ दिया है, जिसको जहाँ जाना हो लोग जा रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग होती नहीं, और जो भीड़ भाड़ में जाते हैं, बाहर जाते हैं, मास्क लगाने में भी परहेज करते हैं, तो वो कहीं कहीं अभी सब कंट्रोल नहीं है। और सब चीज़ें खुल चुकी हैं, अब कहीं कोई बंद नहीं है। अब तो इस उसमें मैं समझता हूँ कि इसको भी स्पीड अप और फास्ट अप करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।